थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं। और सर अगर ये शान क्वेश्चन है ना, तो इन सब चीजों के बाद जो हम कर रहे हैं आपने हमें मजबूर करा है करने के लिए, हमने इतने टाइम से कुछ नहीं बोलता। कल आप एक लड़की के कमरे में गए हो, वो कंसेंट वायलेशन है। और अगर आपको लगता है एन अपॉलोजी इज ओके कि अगर आपने एक सॉरी बोल दिया उससे कंसेंट वायलेशन ठीक है, तो वो गलत है। आप लड़कों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि वो किसी का भी कंसेंट वायलेट करेंगे और सॉरी बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन देनी है तो आप हर चीज पे दोगे, कंसेंट पे भी, कॉर्पोरेट लॉ को खराब बोलने में भी, सेंटर्स के काम को खराब बोलने में भी, जितनी सारी इशू। सर ये मत बताइए कि नया हॉस्टल बन रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लेने की रिस्पेक्टफुल टू द फीमेल फैकल्टी हु स्टैंडिंग है। सर एक और सर बस एक क्वेश्चन है आपको, जस्ट बिकॉज इट इज देयर जॉब एंड दे कैन नॉट से एनीथिंग, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे विल नॉट फील बैड अबाउट द स्टेटमेंट्स दैट यू मेक अबाउट विमेन। सर एक क्वेश्चन है, आपने कल बोला था कि हमारे पेरेंट्स आपको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं। सर आप किस रीजन से गए थे कल हॉस्टल में, एक रीजन? पहला था जो आप हाइजीन की कंप्लेंट आ रही है कि लड़कों को, सर आपने एक सेकंड ठीक है सर। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे रोज उनकी कंप्लेंट आ रही थी, एग्जामिनेशन में आ गया है। सर मतलब आप मेस की चीजें, हॉस्टल की चीजें, हॉस्टल में जो हो रहा था वो देख सब देखने गए थे फैकल्टी में, बस यही आपने लिखा भी है। ठीक है सर, फैकल्टी प्लीज एक चीज नोट करिएगा, ये एक कोटेड स्टेटमेंट आया है बीसी सर से इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में, और मैं सबको यहाँ पे आपको एक घंटे पहले छपा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। गर्ल्स हु डू नॉट ड्रिंक एंड स्मोक वर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग दैट अ हैंडफुल ऑफ अदर्स हु ब्रिंग सच थिंग्स इनसाइड द हॉस्टल आफ्टर मिडनाइट डू नॉट लेट देम स्टडी, देयर वॉज नो अदर वे टू आइडेंटिफाई सच स्टूडेंट्स, आई वेंट इनसाइड विद द फीमेल वार्डन्स नॉट अलोन, वेल बिहेव्ड गर्ल्स वर देमसेल्फ शोइंग देयर रूम्स टू मी, सर प्लीज चेक वी हैव नथिंग टू हाइड, देर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ गर्ल्स इन एवरी बैच हु आर क्रिएटिंग एन इशू, ओनली दे हैड इशूज विद इंस्पेक्शन वाइल अदर्स वर अटेंडिंग देयर क्लासेस, ऑल ऑफ देम आर लाइक माई डॉटर्स सो आई हैव टू केयर फॉर देम, आई डिड नॉट मेक अ सिंगल रिमार्क ऑन एनी वुमेन्स क्लोथ इज टोटली फॉल्स एलिगेशन। सर ये इंस्पेक्शन संडे को ही है, नो क्लासेस, कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा था, किसी हैंडफुल लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे वो सब लड़कियां भी बैठी होंगी जिनके रूम में इंस्पेक्शन हुई है, अगर यहाँ पे कोई भी एक लड़की मुझे खड़े होकर बोल सकती है कि उन्होंने बीसी सर के आगे ऐसा बोला था कि सर ये लोग लड़कियां स्मोक करती है, मेरे रूम में कुछ भी नहीं है छुपाने को, तो मैं मान जाऊंगी कि हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर आप ही नहीं सर, हम फैकल्टी को नहीं बात करेंगे सर, हमें आपसे बात करनी है सर, हमें आपसे बात करनी है सर। नहीं उसको अभी आपको नोटिस मिला था कि कमरों में जाना सही नहीं है सर, टाइम अलाहाबाद शो और सर फुल प्रोटेस्ट से बीची सर की शान टूटी है। Is it becoming of a vice chancellor for university to pass these statements? We want you pass these statements on the female students of this university. मैम अगर आप में से किसी एक को भी इससे प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे 5 साल यहाँ पे वेस्ट है। नहीं बेटा अगर ऐसा कोई भी करे हम कभी मैम मतलब आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें छोड़ के गए हैं तो हमारा नेशनल मीडिया में कैरेक्टर शेमिंग क्यों हो रही है? वेल बिहेव्ड गर्ल्स सर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन है सर आप कैसे बताएंगे वेल बिहेव्ड कौन है और कौन नहीं है? नहीं सर सर वेल बिहेव्ड गर्ल्स आप कैसे बताएंगे कौन है और कौन नहीं है? अगर नहीं कहना तो अभी सर मीडिया हाउसेस को ओपन लेटर देंगे दैट यू आर मिस कोटिंग मी, अभी देंगे सर, अभी केस डालो सर कि मिस कोट करा गया। वी आर नॉट टॉकिंग टू द फैकल्टी, नो नो वी डोंट वांट टू टॉक टू द फैकल्टी, वी हैव नो इश्यूज विद द फैकल्टी एट ऑल, वी हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द फैकल्टी, वी हैव एम्पैथी फॉर एवरीवन।
ये पॉइंट है, आप लाइब्रेरी जाओ, आप बिल्कुल जाओ, आप इंस्पेक्ट करो, आप प्लग लगवाओ। हमारा पॉइंट तो ये है कि वहाँ पे अगर बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पहली बात तो कोई भी उनसे क्यों पूछ रहा है कि क्या काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो कर भी रहे हैं तो आपको ये दिक्कत है कि वो किसी सेंटर का काम कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो क्लर्क होते हैं। तो सर एक काम करिए ना, प्रोस्पेक्टस जब बनेगा तो प्लेसमेंट हटा दीजिए कि प्लेसमेंट्स तो नहीं होती बिकॉज वो तो क्लर्क होते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। फिर हम प्रोस्पेक्टस में क्यों लिखते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट कितनी होती है? हम क्यों अपने वेबसाइट पे एक सेपरेट पेज बना रखा है प्लेसमेंट का? क्यों बना रखा है? क्योंकि प्लेसमेंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सबको जुडिशरी नहीं करना है, सबको एलएलएम नहीं करनी है। अगर ऐसा है तो आरजीएनयूएल को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि अब से जो भी क्लाइंट देगा, अगर आपको 1% भी कॉर्पोरेट लॉ या किसी भी ऐसी चीज में जाना है, आप यहाँ पे मत आइए। और आप प्लेसमेंट्स अपने ब्रोशर प्रोस्पेक्टस में प्लीज मत डालिए। दूसरी चीज सर, अगर कोई बच्चा सेंटर का काम कर रहा है तो उसमें क्या गलत है? कॉलेज नहीं सेंटर्स बनाए ना, सेंटर्स भी आपकी वेबसाइट पर है। वो भी आप प्रोस्पेक्टस में जब बच्चे ओरिएंटेशन के लिए आते हैं आप बताते हो कि हमारे इतने सेंटर्स हैं, ये यूजीसी में लिस्टेड है, ये जर्नल यहाँ लिस्टेड है। तो जब वही बच्चे उसी का काम कर रहे हैं, उन बच्चों के काम की वजह से ही वो आज लिस्टेड है, और उन बच्चों के काम की वजह से ही आप उसे वेबसाइट पर डाल पा रहे हो, और आप उन्हीं बच्चों को डिस्करेज कर रहे हो उसका काम करने के लिए। ये तो बहुत ही गलत है ना। और ये किस बेसिस पे हो रहा है? जब टीचर्स फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स है वो भी काम देती है ना सेंटर्स का, ये तो एकदम ही गलत है। इसके लिए भी हम, इसमें भी आप बच्चों की शान पे क्वेश्चन कर रहे हो, जवाब उन्हें कर रहे हो, लेकिन वो हम ना सुने। प्लग्स की तो हमने बात करी नहीं, आप लगवाओ, आप हर जगह प्लग्स लगवाओ। बच्चों की नहीं, वो ठीक है, लेकिन इशू तो वो था नहीं ना, आपने उस बारे में बात क्यों करी? आपने ये तो एड्रेस क्यों, हम क्यों बिना फैकल्टी के नहीं आ सकते? हमें अगर कुछ एड्रेस करना हो जो फैकल्टी को ना बताना हो तो? गाइस सर रोका है, सर अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने आपको मिसकोट किया है, वी कैन वेरीफाई दैट। हमारी इंडियन एक्सप्रेस वालों से हो रखी है बात, हमें पता है। सर वो छोड़ो, नहीं सर बहुत सारे इश्यूज है ना, ठीक है ये चीज हो गई रिजॉल्व, लेकिन हमारी, हम रिजॉल्व की तो बात ही नहीं कर रहे, हमारी एक ही डिमांड है और वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं है। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है। आप जो बोल रहे हो कि आपने किसी बच्चे को कमरे में नहीं आने से रोका बिना फैकल्टी के, यहाँ पे बहुत बच्चे खड़े हो जाएंगे जिन्हें ये क्लियरली आपका पीएन बोलता है कि बिना फैकल्टी के आप नहीं मिलोगे। सबको पता है आप बिना फैकल्टी के नहीं मिलोगे, आप फोन बाहर रखवाते हो। सर अगर अगर एक स्टूडेंट अपने खुद के यूनिवर्सिटी के हेड से जाके अपने इश्यूज नहीं डिस्कस कर सकता, देन द हेड इज नॉट डूइंग देयर ड्यूटी एंड दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बार है कि स्टूडेंट को या टीचर बिना समय लिए किसी भी समय मिल सकता है। सब पाते हैं कि लड़की बीमार है, उसको बाहर नहीं ले जाने दिया जाए। गेट बंद है सर, इतनी देर से क्यों बंद है? आप हमारी मूवमेंट कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ये किसी काम ने नहीं किया। हाँ गार्ड अपने आप नहीं करते, कोई गार्ड अपने आप नहीं करता, हम गार्ड को 5 साल से जानते हैं। गेट पे ताले कैसे? गार्ड्स क्वायर सर, हम गार्ड्स को 5 साल से जानते हैं, गार्ड्स बिना ऑर्डर के नहीं करते हैं। और सर गार्ड्स की क्या बात करें, आप हमारे बारे में इतने कंसर्न थे, आप हमारे हॉस्टल गए, हम 2 साल से यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज रोड्स पर सिक्योरिटी बढ़ाओ, स्ट्रीट लाइट्स लगवाओ, हमारे पास मेल्स हैं, पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई है। सर एक सेकंड, इतना ही नहीं, हमारे बैच रिप्रेजेंटेटिव्स और मेरे बैचमेट्स ने खुद जाके डीसी को अप्रोच किया है कि प्लीज हमारी हेल्प करो या स्ट्रीट लाइट्स लगवाओ, हम इफ्टी से जाते हैं। सर 2 हफ्ते पहले मैं बाहर गई थी कॉलेज गेट से कर्फ्यू के बाद, वहाँ पे बिल्कुल गार्ड के बाहर, गेट के बाहर 5 लड़के बाइक पे खड़े थे। मैं वापस आई 20 मिनट बाद और वो लड़के वहीं खड़े थे, और मैंने गार्ड्स को बोला कि ये यहाँ क्यों खड़े हैं, तो उनका रिस्पांस पता क्या था? इन्होंने आपको कुछ कहा तो आप लोग वेट करोगे क्या कि वो हमें आके कुछ कहेंगे या हमारे साथ कुछ करेंगे तब आप? आपने देखा नहीं इस रोड पे हमारे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं? सर आप हॉस्टल की बात करते हो, हम आपको इतनी मेल्स भेजते हैं जिसका सब प्रूफ है, आप एक भी मेल का रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। सर
एक भी मेल का आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो सर, क्यों नहीं करते हो? जब मेल आपको एड्रेस दें तो इज इट नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप इतने कंसर्न हो, आप मेस में आ रहे हो, आप लड़कियों के कमरों में जा रहे हो, लेकिन आप मेल का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो। नहीं, अब मेल मिले, आप ही लोगों को फूड की कंप्लेन थी जो है। सर आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? सिर्फ फूड थी सर, मैंने कल भी मेल भेजा, आपने तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। यहाँ पे बहुत, मेरे पास मेल में इतने सारे प्रूफ है, इतनी सारी लड़कियों ने, सर मैं कुछ और बोल रही हूँ सर, गेट के बाहर सर नगनूल के कैमरा के अंदर दिख रहा होगा कि वहाँ क्या चल रहा है और वो लड़के हमें कैसे देखते हैं, हमारे लिए क्या क्या बातें करते हैं। आपके घर की बेटी होती तो क्या आप कभी सुनते किसी मर्द को गेट के बाहर? सर प्लीज, जितनी है सब हमारी बेटियाँ। सर आपने कहा कि हमारे एक्शंस की वजह से आज आपका सिर्फ शरीर बचा है और शान खत्म हो चुकी है, हमने आपकी पूरी शान खत्म कर दी है। सर हमको एक ऐसा वाइस चांसलर नहीं चाहिए जिसकी कोई शान नहीं है, आप प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। गाइस सर आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं।